नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। महाराज जी बताइए साहब, जो आजकल अपने ये भारत में जी नागरिकता कानून चल रही है, तो खबर उसको आपका क्या कहना है उसके? उस संबंध में तो हमें कुछ नहीं कहना है, अभी हमें इस संबंध में कहना है तो सिद्ध क्षेत्र सॉरी पर यहाँ पर भगवान के पंच कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव संपन्न किया जाएगा, कल परिनिर्वाण दिवस महोत्सव मनाया जाएगा और उसके उपरांत विश्व शांति की भावना से विश्व शांति मार्ग संपन्न होगा। हम तो यही भावना भाते हैं, संसार में शांति हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो, यही आशीर्वाद है। इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि जनता अहिंसा के प्रति जागरूक हो, अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करे, आपस में बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ रहे, तभी समाज में सुख शांति की स्थापना की जा सकती है। स्वार्थी बनकर के अहंकार का पोषण करने से, कषायों को उत्तेजना देने से, विषयों में लीन होने से सुख शांति नहीं मिलती। सुख शांति का उपाय है कि हम प्रेम और वात्सल्य के साथ रहें, हम स्वयं प्रेम और शांति से जिएं, दूसरों को भी प्रेम और शांति से जीने के सु अवसर प्रदान करें। थैंक यू सर, मंगल हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।